बाई सेल्फ विशाल शंकर श्रीवास्तव फैकल्टी ऑफ द जी एल बजाज इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेटर नोएडा टुडे हियर वी आर डिस्कस अबाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विच टॉट इन सेकेंड ईयर मैकेड ईयर इन फोर्स हैीवियस लास्ट लेक्चर दिस इज येक्चर एंड प्रीवियस लास्ट लेक्चर वीर डिस्कस अबाउट मेटल कटिंग बेसिक्स ऑफ चेंसी मशीन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टूल्स एंड एक्सेट्रा टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग एंड डिजाइन कंसनट्रेशन डिजाइन कंसनट्रेशन से मतलब है डिजाइन अबाउट द वेल्डिंग जब हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेल्डिंग तो बेसिक्स डिजाइन की रिक्वायरमेंट क्या होती है टॉपिक फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग ब्रेजिंग एंड सोल्डिंग डिजाइन कंसनट्रेशन इन वेल्डिंग सो स्टार्ट हम करेंगे बेसिकली बेसिक्स डिफिनीशन ऑफ द वेल्डिंग In physics of welding, we discuss about the joining process and mechanism bond making. That bond making means this is a work piece 1 and this is a work piece 2. Anyhow, we are going to we are going to weld this through two materials. So, this is a gap, and this gap will be filled up by some filler materials, maybe uh, maybe filler materials, maybe be without filler materials. सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हम फिलर मटेरियल्स नहीं यूज करते हैं या फिर uh, ये हम विदाउट uh, मेल्टिंग भी कर सकते हैं तो ये जो है हमें बॉन्ड यहाँ पे जो बन रहा है तभी तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा सो वी आर डिस्कस अबाउट द बॉन्ड बॉन्ड मेकिंग इज द मीनिंग ऑफ दिस कि वी आर मेकिंग द बॉन्ड बिटवीन दिज टू मटेरियल्स मटेरियल वन एंड टू के बीच में जो बॉन्ड हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं ठीक है इन वेल्डिंग प्रोसेस वी आर ज्वाइन टू मेटल विच आर सिमिलर एर डिसिमिलर दैट मीन वन इज अपोज एलमियम अदर इज अदर दैन एलमियम या फिर वन इज अ कास्ट आयरन अदर इज अटील तो अब यू कैन ज्वाइन सिमिलर मेटेल विद आर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट विद विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फिलर मेटेरियल एंड प्रेशर सो वेल्डिंग में जो तीन पैरामीटर्स हैं हमारे हीट प्रेशर एंड फिलर मेटेरियल बिकॉज ये दिस इज़ नॉट माई मिल्टी कि वो तीन के तीनों पैरामीटर्स हमें रिक्वायरमेंट हो क्योंकि अगर हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की बात करेंगे तो उसमें हीट की रिक्वायरमेंट न के बराबर होती है नेग्लेसिबल होती है प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है अगर हम लिक्विड फ्यूजन वेल्डिंग की बात करेंगे लिक्विड स्टेट की तो इसमें हमें हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी मेट माइट भी प्रेशर की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाए और फिलर मटेरियल की मैं और मैं नॉट भी रिक्वायरमेंट पड़ती है जैसे इलेक्ट्रिक कार्क वेल्डिंग की बात करेंगे जो आप नियर बाई में आप देखते हो अपने आसपास तो उसमें हमें फिलर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जो रॉड होता है ठीक है और अगर बात करते हैं गैस वेल्डिंग की तो गैस वेल्डिंग में आपने देखा होगा कि गैस का वो टॉर्च होता है टॉर्च के पैरल ही हम एक पतला सा रॉड होता थीन रॉड होती है जो उसको मेल्ट करके गैप को फिलअप करती है तो फिलर मटेरियल वही चीज़ होती है ज्वाइनिंग की अदर प्रॉपर्टी ये कि एक परमानेंट ज्वाइनिंग है इट इज़ अ परमानेंट ज्वाइन और जो वर्क पीस फाइनली मिलता है ज्वाइनिंग के बाद उसे हम कहते हैं नोन एज अ वेल्डमेंट उसको हम वेल्डमेंट कहते हैं इसे ध्यान से देखिएगा कि ये वेल्डमेंट वर्ड पूछा जाता है कि इस पार्ट्स को हम कहते हैं फाइनली वेल्डिंग होने के बाद तो इट इज नोन एज अ वेल्ड मेड ओके सो अगेन आई एम रिपीटिंग वेल्डिंग इज अ प्रोसेस परमानेंट प्रोसेस वी आर 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 सिमिलर डिसिमिलर टू मेटल्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट प्रेशर एंड फिलर मटेरियल्स इसके साथ कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन पर डिस्कस कर लेते हैं हम इट्स अ परमानेंट जॉइंट लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉम्प्लेक्स शेप कैन बेजली प्रोड्यूस ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड बहुत सारे हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पॉइंट्स की दैट हमने पहले ही आपको बता दिया इट इज़ अ परमानेंट ज्वाइंट है ठीक है क्योंकि वेल्डिंग को आप एक बार वेल्ड कर दोगे किसी भी दो पार्ट्स को तो फिर आपको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हो उनको दोनों पार्ट्स को अलग नहीं कर सकते हो फिर आपको वहाँ से कट करके ही अलग करना पड़ेगा तो इट इज़ अ परमानेंट जॉइंट ठीक है लो कॉर मैनुफैक्चरिंग कास्ट दैट मींस कि अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड शेप को बनाना है और आप उसको कास्टिंग करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं तो आपके लिए सबसे ईजी होता है कि आप सिमिलर पार्ट्स को अलग अलग कास्ट करके उसको वेल्डिंग कर दो तो जो कास्टिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी वो भी नहीं होंगी और हमारी उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं कि हम अलग अलग उसको वर्क पीस को ला डिज़ाइन कर, कंसेंट्रेशन करके हम कर सकते हैं तो मतलब हमें यहाँ पर टाइम और कॉस्ट का हमें इफ़ेक्ट्स मिल जाता है कॉम्प्लेक्स शेप कैन बी इजिली प्रोड्यूस जैसे हमने आपको बता दिया कि जैसे सपोज दैट कि आपको कुछ इस टाइप के शेप हैं हमारे पास ऐसा वेल्ड है हमें करना है हमने देखा कि ये थोड़ा सा करवेचर पाथ है ये एल शेप है ये स्ट्रेट लाइन है अब इसकी कास्टिंग नहीं कर पाओगे अब तो इसको अलग अलग पार्ट्स को हम यहाँ से इसको अलग एक पार्ट्स कंसिडर कर सकते हैं ठीक है ये अलग ये अलग ये अलग और ये अलग इन चार को हम अलग अलग करके ज्वाइन कर सकते हैं तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन भी इजली स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड का मतलब यहाँ से ये यह है जोमेट्रिकल शेप की बात हो रही है हमारी जोमेट्रिकल शेप को यहां पे हम इजली यहाँ पर हम वेल्ड कर सकते हैं आप देखोगे स्ट्रक्चर जो होते हैं स्ट्रस के बीम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें वेल्ड ही करते हैं रेलवे के जो ब्रिजेस पे जो यूज होता है वो हम वेल्ड कर देते हैं ठीक है वहाँ पे हम रिवेटेड जॉइंट ये सब चीज़ों को जल्दी फॉलो नहीं करते ठीक है ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट जिनसे परमानेंट है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है जहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर भी हम वेल्डिंग को ही प्रीफर करते हैं हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए तो ये सारे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है कि जब भी आप वेल्डिंग करोगे तो कुछ इस पैटर्न के पार्ट्स होंगे कुछ उसके शेप्स डिस्ट्रॉय मतलब शेप परमानेंट वो फिनिशिंग नहीं मिलती कभी भी वेल्ड करने के बाद क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं जैसे कि ये हमारा वर्क पीस है एक ये दूसरा वर्क पीस है तो जब आप ये वेल्ड होता है तो ये जो पोर्शन होता है ये सरफेस पे एक्स्ट्रा मटेरियल उस पर ऐड हो जाता है जब फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे या नहीं भी करेंगे क्योंकि मेल्टिंग होने के बाद जो यहाँ पर एक जोन जो क्रिएट होता है उस जोन के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे मेल्टिंग होने के बाद दैट्स विल बी क्रिएट अ न्यू शेप ये न्यू शेप क्रिएट कर देता है इसको हम कोल सेंस कहते हैं वेल्डिंग cool cool में यूज होगा जो नेक्स्ट जब हम वेल्डिंग uh, का यूनिट जब हम पढ़ेंगे cool दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है केमिकल कंपोजिशन अलग है और तीसरा फिलर मटेरियल आप यूज करो तीनों का जो मिक्सअप यहाँ बनता उसे ही cool है उसे कोलसेंस कहते हैं लिक्विड फेज में ये होता है बाद में सोलिडफाइड होकर ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करता है ठीक है तो वेल्डिंग का जो डिसएडवांटेज है कि फिनिशिंग प्रोसेस हमें रिक्वायरमेंट होगी होगी कब भी ज्वाइनिंग होती है जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे हमने एक दो पार्ट से यहाँ पे यहाँ से एडेशन किया हुआ है चिपकाया गया हुआ है सो यहाँ पे फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है। लेकिन बट यहाँ पे कोई भी दो पार्ट्स को जब वेल्ड करोगे फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इन दो पार्ट्स को वेल्ड कर रहे हैं अगर ये मेटल है तो यहाँ पे वेल्डिंग के बाद यहाँ पे कोई ना कोई मेटीरियल डिपोजिशन हो जाएगा और डिपोजिशन की वजह से हमें यहाँ पे फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा सकता है ये जो फिनिशिंग प्रोसेस होगा थर्मल स्ट्रेस डेवलप बिकॉज ऑफ हीट जब वेल्डिंग है वेल्डिंग जिम्मे जब हीट होगा तो ही वहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस होगा और वेल्डिंग ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा तो जो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है क्योंकि वहाँ कूलिंग और सृंकेज प्रोसेस होता है तो इंटरनली रेजिडुअल स्ट्रेस डेवलप होता है सो थर्मल स्ट्रेस वहाँ पर एक डेवलप हो जाता है जो कि दैट इज अ कॉज ऑफ डिफेक्ट्स वहाँ से क्रैकिंग स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है नॉट इको फ्रेंडली दैट मीन्स की फ्यूम्स वो बहुत सारे वहाँ पर मतलब जनरेट होता है ड्यूरिंग द वेल्डिंग सो दैट विल भी हार्मफुल फॉर अस और इवन हमें जब भी हमें वेल्डिंग करना चाहिए तो हमें प्रिकॉशनरी मास्क पहनना जो बहुत जरूरत है दैट वॉज सेफ्टी एंड प्रकॉशंस में हमें वो होता है तो वो वो फ्यूम नॉट इको फ्रेंडली होता है स्मॉल वर्क पीस वेरी स्मॉल वर्क पीस को अगर आपको वेल्ड करना होगा दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एग्जाम्पल कि हमें इतना छोटा पीस है अगर आप इसको वेल्ड कर रहे हो इसको अगर इस पेन को यहां से जोड़ रहे हो वेल्ड कर रहे हो तो वेल्ड करते समय ये पॉसिबिलिटीज होगी कि आप वेल्ड कर दोगे तो ये होल ब्लॉकेज हो सकता है इस पेन का जो यहाँ से रिफिल आ रही है और जा रही है तो ऐसे स्मॉल पेसेज में अगर आप वेल्ड करना होगा तो आप वेल्डिंग इज नॉट सूटेबल दैट मिल बी कि आप इसको किसी ऊपर से कुछ रैप करके ज्वाइनिंग करो या फिर इसको से चिपका दो बट वेल्डिंग इज अ मतलब फ्यूजन वेल्डिंग या फिलर मटेरियल वेल्डिंग इज नॉट सूटेबल एप्लीकेशन की बात करें तो रेलवे स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन प्रोसेस बॉयलर बनाने में होता है या फिर कोई भी टर्बाइन का प्रोसेस होगा किसी भी चीज़ों में सब जगह पे हम वेल्डिंग को प्रीफर कर देते हैं ठीक है तो ये था एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस अब हम बात करते हैं वेल्डिंग को कैटेगराइज करने की वेल्डिंग को जैसे बेटिकली कई सारे कैटेगरीज में कैटेगराइज का, किया गया है फ्यूजन वेल्डिंग को बहुत सारे कैटेगरीज में कर दिया गया और सॉलिड स्टेट वेल्डिंग को भी बहुत सारे तो जैसे हमारे पास बेसिकली हमने दो कैटेगरीज से हम बात करते हैं एक तो वो जिसमें मेल्टिंग हो रही है एक वो जिसमें मेल्टिंग नहीं हो रही है तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में हमारा वर्क पीस जो हमें वेल्ड करना होता है उसमें मेल्टिंग प्रोसेस नहीं होगी बिलो मेल्टिंग प्रोसेस करते तो उसे हम सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कहते हैं सेकेंड जो होता है हमारा वो होता है फ्यूजन वेल्डिंग फ्यूजन वेल्डिंग को हम लिक्विड स्टेट वेल्डिंग भी कहते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि फ्यूजन की फ्यूज होता है दो वर्क पीस जो होगा जो हमारा पेरेंट्स मेटल है वन और टू इन दोनों को जब वेल्ड करोगे तो वो मेल्टिंग टेम्परेचर तक उसे मेल्ट करेंगे ताकि वो मेल्ट हो जाए और ज्वाइनिंग प्रोसेस जो वहाँ बीच में जो दोनों वर्क पीस का हो वह बॉन्डिंग बहुत अच्छे से हो जाए दे आर सॉल्यूबल इन ईच अदर विध फिलर मटेरियल सो वहाँ पर जब फ्यूजन्स हो रहा है तो फ्यूजन्स के बिकॉज ऑफ फ्यूजन दैट नोन एज अ फ्यूजन वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग को फर्दर हम कैटेगराइज़ कर रहे हैं जैसे कि विद और विद एप्लीकेशन ऑफ फिलर मटेरियल कि फिलर मटेरियल यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है हीट यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है साथ में आ, प्रेशर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो दैट्स सो मेनी डिफरेंसेस मतलब गैस क्या आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक पावर वेल्डिंग गैस यूज कर रहे हो तो गैस वेल्डिंग की कैटेगरीज में चल जाता है जैसे ऑक्सीटेल इन वेल्डिंग तो ये फर्दर हम इसको कैटेगराइज करके बहुत सारे कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया गया है बट अभी यहाँ पे हमें बेसिक्स पे बात करनी है और जो आगे कैटेगराइज हुआ है वो नेक्स्ट यूनिट्स में जब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ यूनिट में तो वहां पे ये बातें स्टार्ट होगी कि वेल्डिंग को हम डीप में बात करेंगे तो फ्यूजन वेल्डिंग में जो इन दिस फ्यूजन वेल्डिंग टू सरफेस टू बी ज्वाइन आर हीटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट जब हम इसको हीटिंग अप टू मेल्टिंग पॉइंट जैसे कि हमारा कोई भी एक वर्क पीस है जैसे हमने दिया वर्क पीस वन है ये एंड वर्क पीस टू है ये वन एंड टू मे बी ये सिमिलर है मे बी यह डिसिमिलर है बट हमें दोनों के मेल्टिंग टेम्परेचर तक ले जाना फॉर एक्जाम्पल अगर इसके मेल्टिंग टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड है अगर इसका वन वन टेन है तो हमें दोनों को वन वन टेन तक लेके जाना ही जाना है अब आपको ये सलेक्शन ये चूज करना होगा वो एट दैट टाइम कि क्या इट इज़ पॉसिबल ये वन टेन के बाद ऐसा तो नहीं कि ये पूरी तरह मेल्ट करके लिक्विड फेज में हो जाए पूरा वर्क पीस तो आप इस वेल्डिंग्स को वहाँ पे आपको थोड़ा सा आर एन डी करना होगा कि हम इस पर कौन सी वेल्डिंग अप्लाई करें कि हमें ये दोनों वर्क पीस ज्वाइन हो जाए जरूरी नहीं कि फ्यूज़न ही हो फिर अगर हमें लगेगा कि दोनों फ्यूज़न पूरी तरह लिक्विड स्टेट में है वर्क पीस हमारा खराब हो जा रहा है तो फिर हमें दूसरी वेल्डिंग चूज़ करनी पड़ेगी सो so, जब भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे तो दोनों वर्क पीस को फ्यूज होना जरूरी है और ये दोनों वर्क पीस यहाँ पे मिल के यहाँ पे मेल्ट होंगे जो ये पोर्शन होगा ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे मेल्ट होगा और अब फिलर मटेरियल यूज़ करो या जैसे भी करो जो बीच के गैप्स होते हैं वर्क पीस के फिलअप बाइ क्योंकि ये गैप है तो इसको आपको फिलअप करना पड़ेगा अगर आप इस मटेरियल्स को यहां से यहां से करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रक्चर्स में डायमेंशन uh, में चेंजेस आ जाएंगे तो हम एडिशनली फिलर मटेरियल दे देंगे अगर गैप बहुत ज्यादा है तो एडिशनल फिलर मटेरियल दे देंगे सो मेल्टिंग पॉइंट्स की बात हुई है कि हीटेड टू द मेल्टिंग पॉइंट वेयर इज नेसेसरी फिलर फिलर मेटल इज एडेड टू द द फिल गैप आपको जरूरत तो है तो करिए नहीं जरूरत है तो मत करिए और इसमें फ्यूजन वेल्डिंग्स में सिंस यहाँ पे मेल्टिंग uh, हो रही है तो हीट अफेक्टेड जोन क्रिएट होता है एक हीट अफेक्टेड जोन इसको हम डीप में डिस्कस करेंगे बाद में लेकिन अभी हम बेसिक आपको बता दे रहे हैं जब भी वर्क पीस यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एरिया इसको हम तीन से चार पार्ट में डिवाइड करते हैं फ्यूजन जोन वेल्ड इंटरफेस ठीक है फिर हीट अफेक्टेड जोन तो फ्यूजन जहाँ पे फ्यूज़न हो रहा है वेल्ड इंटरफेस जो दो वेल्डिंग्स का इंटरफेस है यहाँ पे ठीक है और हीट अफेक्टेड जो जहाँ जो एरिया दो वर्क पीस के बीच का जितना एरिया हीट से अफेक्टेड हो रहा है जितना मेटेलॉजिकल चेंज हो रहा है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में मैकेनिकल मेटेलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसे हम हीट अफेक्टेड जोन कहते हैं ठीक है आप यहाँ से देख सकते हो कि वेल्ड मेटल है यहाँ पे फ्यूजन लाइन यहाँ से मतलब ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे फ्यूजन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे मेल्टिंग हो रही है ठीक है ये जो रेड एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है ये आपका हीट अफेक्टेड जोन है ठीक है यहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन है जहां जहां पे चेंजेस हो रहा है अगर ये देखिए स्लाइटली यहां तक रेड हुआ है तो ये पूरा हीट अफेक्टेड जोन यहाँ दिखा रहा है इस डायग्राम में पीस वन एंड टू ये दोनों का अलग अलग तो ये एरिया हीट अफेक्टेड जोन कहता है तो फ्यूजन वेल्डिंग में हीट अफेक्टेड जोन का आ, मतलब बनना ही बनना है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते और जब बनेगा तो आपको इसको मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस भी करना है वेदर आर माई द ऑप्टेन फीस स्ट्रेंथ विल बी स्ट्रॉन्ग और नॉट हमें यह भी चेक करने की जो हमारी लोड है वियरिंग कर पा रहे कि नहीं कर पा रहा है नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग एज नेम नॉयज इट इज अ सॉलिड स्ट्रीट ये सॉलिड में ही रहेगा लिक्विड फेज में नहीं जाएगा सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जब डिफ्यूजन स्टार्टिंग सरफेस पर डिफ्यूजन करनी पड़ेगी या आप जैसे भी करो फ्रिक्शन से करो प्रेशर से करो वॉट एवर यू अप्लाई द मैकेनिज्म सो इन सॉलिड स्टेट इन दिस प्रोसेस सॉलिड मेटल सर्फेस आर बींग ब्रॉड इन टू कॉन्टेक्ट क्लूज कॉन्टेक्ट फॉर अ मेटेलिक बॉन्ड टू बी फॉर्मड ठीक है और इसमें सर्फेस डिफ्यूजन होगा सर्फेस प्रॉपर्टी होगी जो भी होगा सर्फेस से ही होगा जैसे ये हमारे पास दो क्वाइंस हैं दो सिमिलर क्वाइंस हैं एक ये है और एक ये एक दस रुपए का, का सिक्का है और ये मेरे पास दो रुपए का सिक्का है अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है तो हम इनको अगर प्रेशर दे देंगे अगर आप इन पर प्रेशर हाई प्रेशर अप्लाई करके छोड़ दीजिए कुछ टाइम के लिए तो ये ज्वाइन हो जाएंगे या फिर इनको हाई वेलोसिटी से इसको आप रब करिए एक को फिक्स रखिए दूसरे को रब करते रहिए तो ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस पे हीट की फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि हीट प्रोड्यूस होगा वो हीट सरफेस को डिफ्यूज़ करेगा माइट बी नेट डाइस हमें ना पता चले लेकिन टच करने पे पता चलेगा कि यहाँ पे हीट आ रहा है वो हीट डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और हम प्रेशर दे देंगे स्लाइटली प्रेशर दे देंगे थोड़ा सा ज़्यादा तो यहाँ पर हमारी वेल्डिंग हो जाएगी और इट इज़ अ नोन एज अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस इसी को कहते हैं इन दिस बॉन्डिंग प्रोसेस इज द बेस्ड और इधर ऑन डिफॉर्मेशन और ऑन डिफ्यूजन ऑन लिमिटेड डिफॉर्मेशन डिफ्यूजन वर्ड यूज हो रहा है और डिफॉर्मेशन वर्ड यूज़ हो रहा है डिफ्यूजन आपको मैंने बता दिया कि सरफेस पे जो डिफ्यूज कर जाएगा वो चीज़ें इसी को कहते हैं ठीक है तो ये सॉलिड स्टेट वेल्डिंग सॉलिड स्टेट में मैंने बताया कि जब मेल्टिंग नहीं होगी तो मेटिलॉर्जिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा हीट इफेक्ट जोन ही नहीं आएगा ठीक है तो हीट इफेक्ट जोन जो बात होती है बहुती slightly, बहुती हो तो बहुत ही स्लाइटली बहुत ही निगलिसबल अमाउंट पे वहाँ पे हीट होगा तो उसमें हीट इफेक्टेड जोन को हम कंसीडर नहीं करते हैं आइडियली आप बात करेंगे तो आइडियली तो भाई ऑब्वियसली बात है हीट है तो कुछ ना कुछ तो सरफेस प्रॉपर्टी चेंज होगी होगी लेकिन आ, वैसे हम कंसीडर नहीं करते इसको निगलिसबल मान के चलते हैं द वेल्ड वुल प्रोड्यूस इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल द हीट अफेक्टेड जोन ऑफ द सच वेल्ड एंड रिलेटिवली कोर्स वर्ल्ड एडवर्सली अफेक्ट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील तो जो हमारा ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सरफेस के रिगार्डिंग हम बात करेंगे तो चेंज होगा इंटरनली नहीं होगा क्योंकि इतनी हीट हमारे पास आते नहीं है और जो इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन वेल्डिंग फोर्स वेल्डिंग एक्सप्लोसिव वेल्डिंग एक्सेट्रा ये सारी वेल्डिंग्स हम डिस्कस करेंगे आगे अब जो फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग था हमने डिस्कस किया उसके बाद सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट हमने देख लिया अब टॉपिक है हमारा ब्रेजिंग और सोल्डरिंग जो सबसे कॉमन सोल्डरिंग और ब्रेजिंग वेल्डिंग है बहुत आप लोगों ने सोल्डरिंग बहुत देखा होगा अपने आसपास होते हुए तो so, सोल्डिंग से ही मैं शुरुआत करूंगा ब्रेजिंग को बाद में करूंगा ये रहा सोल्डिंग प्रोसेस सोल्डिंग प्रोसेस में आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप देखते हैं कि जहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है एक सोल्डिंग रॉड होती है एक फ्लक्स होता है जो वैक्स की तरह होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है फ्लक्स होता है और आपके पास एक फिलर मटेरियल होता है जिसे लेड और टीन बेस्ड होता है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन होती है तो वो फिलर मटेरियल क्या करता है कि कोई भी पीसीबी बोर्ड जो होती है हमारे पास उसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उसमें जो अटैच करने होते हैं ज्वाइन करने होते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोल्ड्रिंग रॉड से हीटअप होता, होता है उसमें एलिमेंट्स होता है सोल्ड्रिंग रॉड में वो हीटअप करता है फिर वहाँ पर हम फ्लक्स पहले लगाते हैं ताकि जो भी इम्प्योरिटीज़ हो उसे रिमूव कर सकें फ्लक्स का बेसिक काम यही होता है कि ऑक्सीडेशन से बचाएगा और पर जो अदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो अनवांटेड हमें नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमें कुछ भी डिफेक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं उसको वो वहाँ से हटाता है रिमूव कर देता है फ्लक्स लगाने के बाद फ्लक्स का यही काम होता है फिर हम फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं और जो पीसीबी सर्किट होती है उसमें हम अपने उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को फिट करेंगे और जॉइंट कर देंगे उसके वायरिंग पार्ट्स को तो ये वहाँ पे ये सोल्ट्रिंग का प्रोसेस जाता है सब ने अपनी मतलब तो देखा आसपास देखा होगा आप लोगों ने जो इसका मेन चीज़ है कि है कि वो आ, सोल्ट्रिंग जो होता है इसको अगर हम फॉर एन में बात करें तो सिक्स हंड्रेड फॉर ठीक है या 420 डिग्री सेवन या 450 कहीं कहीं पे भी दे रखा गया है तो 427 या 450 डिग्री के बिलो अगर हम बात करेंगे तो सोल्ड्रिंग होता है सोल्डिंग में यही होता है और ये परमानेंट जॉइंट होता है सोल्ड्रिंग भी इसमें भी हम सिमिलर डिसिमिलर मेटल्स को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं हाँ बट इसका ड्रॉबैक क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ होती है बहुत वीक होती है आप देखोगे कि सर्किट सर्किट को आप अपने हाथ से भी चाहोगे तो हटा सकते हो दोनों सर्किट से इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को तो इससे ही पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही वीक है बट ये सूटेबल कहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि ये वहाँ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज़ को भी आ, मतलब मिनिमाइज नहीं करता इफिशियसी को कम नहीं करता इसलिए हम लोग इसको प्रिफर करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आप देखोगे कि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है कोई भी अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो अपने आसपास तो देखोगे कि वो कभी 420 तक टेम्परेचर तक, 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 तक जाएगा ही नहीं वो अगर वो 30 40 50 से ऊपर जाएगा तो वो आपको वो ऑर्न कर देते हैं आजकल के डिवाइसेस की टेम्परेचर ज़्यादा है कूलिंग हमें रिक्वायरमेंट है सेंसर बता देगा आपको सो so, वहाँ के लिए सूटेबल होता है तो ये बेसिक्स है हमारा सोल्डरिंग का सब ने अपने आसपास देखा होगा तो अब सोल्डरिंग के बारे में क्या थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ इस इज ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच टू मेटल्स सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स कैन बी ज्वाइन बाई यूजिंग हीट फ्रॉम द सोल्डर जैसे हम सोल्डर आयरन कहते हैं ठीक है एंड विद्लिकेशन ऑफ फिलर मेटेरियल मैंने बोला था ना कि विदाउट एप्लीकेशन वेल्डिंग में लेकिन यहां पर सोल्डरिंग में है सोल्डरिंग में आपको अप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है फिलर मेटेरियल की रिक्वायरमेंट है और हीटेड जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है बिलो फोर ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड बिलो मींस की आप थ्री हंड्रेड या थ्री फिफ्टी फोर हंड्रेड या फोर ट्वेंटी तक फोर फिफ्टी तक भी जा सकते हो वहां से कर सकते हो ठीक है मोस्टली जो यूज होगा एप्लीकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट में पीसीबी बोर्ड में सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा ठीक है तो ये सोल्डरिंग हमारा हो गया सोल्डरिंग को हम तीन टाइप्स में हम डिसाइड डिवाइड कर देते हैं लेड फ्री और विदाउट लीड लीड बेस्ड फ्लक्स ठीक है लेड की हम बता दें जो हमारे पास होता है जो उसमें सोल्डर जो यूज uh, करते हैं जो वायर जो फिलर मटेरियल है मोस्टली उसमें लेड एंड टीन बेस्ड है हमारे पास तो उसी को हम प्रीफर करते हैं अगर फर्दर हमारा एप्लीकेशन चेंज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में तीन की कंपोजिशन हम चेंज करते हैं ताकि स्ट्रेंथ हमें उसी अकॉर्डिंग मिलती रहे और इफिशेंसी पर कोई फ़र्क न पड़े ये हमारा सोल्डिंग रॉड है आप दिख रहा होगा आपको ठीक है सोल्डिंग रॉड है ये कटर uh, है कट करने के लिए पी सी बोर्ड है ये हमारा फिलर मटेरियल है ये ठीक है ये फ्लक्स uh, मतलब वैक्स की तरह होता है मतलब ये आपको ब्राउन कलर में मिल जाएगा वो फ्लक्स भी होता है ठीक है ये सोल्डिंग होते हुए प्रोसेस दिखाया गया कि एक पीसीबी बोर्ड है सर्किट बोर्ड है या हमारा एल को हम जोड़ रहे हैं या तो दो इसके पावर सप्लाई या सोल्डिंग डॉट से जोड़ रहे हैं सोल्डर है हमारे पास ये जो जो फिलर मटेरियल है ये आयरन रॉड इससे हम जोड़ के हम सोल्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं ठीक है अब हम आते हैं ब्रेजिंग पे ब्रेजिंग क्या है सिमिलर इसमें भी हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स को हम जोड़ सकते हैं इसमें क्या होता है कि कैपिलरिटी इफेक्ट्स होता है इसमें जो हमारा जो फ्लक्स की जगह हम जो यूज़ करते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो क्या करता है कि वही काम करता है जो सोल्डरिंग में फ्लक्स काम करता है एम्प्योडीज को रिमूव करेगा ऑक्सीडेशन से बचाएगा मतलब बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से अवॉइड करा देता है और इसमें टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट होती है अबव 420 डिग्री सेंटीग्रेड ये सबसे कॉमन डिफरेंस है कि सोल्ड्रिंग बिलो फोर है और ब्रेजिंग एबव फोर डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करता है ठीक है तो ब्रेसिंग्स होता है जिसमें ब्रेजिंग एज ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच टू मेटल और सिरेमिक और वेल्ड मेटल एंड सिरेमिक बोथ है वेल्ड बाय द हेल्प ऑफ द मॉल्टन फिलर मेटल ब्रेजियोलॉजी से कहते हैं विच फ्लो इन टू द ज्वाइंट फ्लो मींस यहाँ पे कैपिलरिटी की इफेक्ट से ही काम करेगा जो फ्लोइंग होगा उसमें ठीक तो uh, है ये फिलर मेटल इज हेटेड स्लाइटली अब द मेल्टिंग पॉइंट ये चीज़ें हैं और इसे फ्लक्स कहते हैं जो फिलर मटेरियल जो लिक्विड फेज में हमने आपसे बताया था ठीक है आइडियल ज्वाइनिंग फॉर डिसिमिलर मेटल जैसे सिरेमिक है सिरेमिक को ज्वाइनिंग के लिए कर सकते हो सिरेमिक का पता है आपको मेल्टिंग टेम्पेचर बहुत ज़्यादा होता है ठीक है ब्रेजिंग की प्रोसीजर uh, क्या है कि सरफेस प्रिपरेशन लाइक क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन फ्लक्स द बेस मेटल एंड फिलर मेटल सर्फेस अलाइनिंग द बेस मेटल्स जो बेस मेटल्स के पार्ट्स हैं हिटिंग द ज्वाइंट पहले प्री हीट करेंगे फिर ठीक है अप्लाइंग द ब्रेजिंग फिलर मटेरियल्स ठीक है कोलिंग द ज्वाइंट्स और रिमूव द रेसोड्यूस फ्रॉम द तो वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है ये हमारा ये ब्रेजिंग का uh, वो है आप देख सकते हो कि ये हमारा एक वर्क पीस है ये है एक वर्क पीस ये टू है ठीक है ये सर्कुलर पीस है इसको हमने ज्वाइन किया फिलर मटेरियल से ये हीट आ रहा है यहाँ से ब्लस है ठीक है या हम इसको सर्कुलर वो करते जा रहे हैं ये ब्रेजिंग है ये, ये आपको यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम था यहाँ पे और ये एक्चुअल डायग्राम है जो ब्रेजिंग करके किया जा रहा है ये दिखाया जा रहा है आपको ठीक है तो ये ब्रेजिंग है अगर आप देखोगे तो रेडिएटर के जो पहले यूज़ होते थे रेडिएटर तो की जो जो ज्वाइनिंग प्रोसेस होती थी वो ब्रेजिंग से ही हम करते थे ठीक है सोल्डिंग ब्रेजिंग हो गया सोल्डिंग ब्रेजिंग के बीच में डिफरेंस है कि सोल्डिंग का जो बिलो 427 ट्वेंटी सेवन ये अबव टू फोर ट्वेंटी सेवन होता है सोल्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत वीक होती है ब्रेजिंग स्ट्रेंथ स्ट्रॉग होती है ठीक है सोल्डिंग में जो होता है बेस मेटल डज नॉट रिक्वायर सोल्डरिंग प्री हीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं ब्रेजिंग में प्री हीट की रिक्वायरमेंट होती है ठीक है सोल्डिंग हमें ईजिली पड़ता है ब्रेजिंग थोड़ा सा हमें उसको करने के लिए मैकनिजम और टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ता है यही सारे इसका डिफ्रेंस है और ये इंपॉर्टेंट है अक्सर ये क्वेश्चन इस पर आता है कि डिफरेंशेट बिटवीन सोल्डिंग एंड ब्रेजिंग ठीक है डिजाइन कंसिलेशन इन द वेल्डिंग डिजाइन कंसिलट्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो पर्पज ये कि क्वालिटी और स्ट्रेंथ हमें कोई कंप्रोमाइज ना करना पड़े यही हमारा पर्पज होता है किसी भी चीज के डिजाइन के लिए तो जो हमें लोकेशंस है एसेसिबिलिटी है फिनिशिंग कैसी आ रही है वेल्डिंग की स्ट्रेंथ कैसी आ रही है कॉस्ट कितना आ रहा है जो हमें कम से कम इस पैटर्न मिले ताकि फिनिशिंग और अच्छी मिले कोई रेसिडुअल स्ट्रेसेस या थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप ना हो तो हमें ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करना है हीट को कंसीडर करना है वोल्टेज करंट को कंसीडर करना है अगर हम गैस सप्लाई कर रहे हैं तो कितना दे रहे हैं पावर दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं ठीक है वर्क पीस को कैसे हम ज्वाइन कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करना है वेल्ट ज्वाइंट्स जो हम बात करते हैं अब आ जाते हैं वेल्ट जॉइंट्स की पाँच टाइप के वेल्ट जॉइंट्स हो तो बट लैब सबसे फेमस है कॉर्नर ज्वाइंट है एज ज्वाइंट है और टी ज्वाइंट है आप देख सकते हो बट ज्वाइंट क्या है कि दोनों वर्क पीस को पैरल लैप जॉइंट एक दूसरे के ऊपर कॉर्नर ज्वाइंट लाइक दिस एज ज्वाइंट दोनों के एजिज को आप यहाँ पे हमारी उंगलियों के एजिज की ज्वाइन कर रहे हो टी ज्वाइंट लाइक दिस ये वर्क पीस वन है फ्लैट और एक वर्टिकल है ये एज ज्वाइंट तो ये बड ज्वाइंट और ये बड ज्वाइंट फेस टू फेस और लैप ज्वाइंट एक के दूसरे के ऊपर ये दोनों बहुत फेमस है रजिस्ट्रेस वेल्डिंग की बात करोगे तो वहाँ पर लैप ज्वाइंट होगा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आपने देखा होगा कि हम बड ज्वाइंट मोस्टली करते हैं तो ये वेल्डिंग जब हम पढ़ेंगे तो और इसके पोजिशन के बारे में पढ़ेंगे पोजिशन से इसकी स्ट्रेंथ पर असर पड़ता है ठीक है टाइप्स ऑफ वेल्ड वेल्ड्स आप कहां -कहां कर रहे हो वेल्ड ग्रूव वेल्ड्स तो आप कहा वर्क पीस है वर्क पीस में आप देखोगे बिफोर वेल्डिंग हम यहां से भी वेल्ड कर सकते थे नहीं लेकिन हम यहाँ वेल्ड कर रहे हैं क्यों क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ की असर पड़ती है तो ये सारे टाइप्स ऑफ वेल्ड कितनी जगह पे आप किस तरीके से वेल्ड कर सकते हो फिलेड ग्रुप स्लॉट स्पॉट सीम एंड प्लग वेल्ड ये डिफरेंट डिफरेंट है तो इस वेल्ड को हम आगे फिर डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये सारे वेल्ड्स हमारे हैं इतने सारे को और ये डिसाइड करना पड़ता है हमें वर्क पीस की साइज क्या डायमेंशन क्या है और हमें कितना हमें सरफेस फिनिशिंग ये सारे पैरामीटर्स को हम डिस्कस करना पड़ता है तो ये टाइप्स ऑफ वेल्ड है और टाइप्स ऑफ ये वेल्ड की पोजीशन वर्क पीस की पोजीशन ये थी हमारे पास वेल्डिंग ज्वाइंट्स की हम कैसे रखते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमें डिजाइन कंसिड्रेशन में ये देखना होगा इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जैसे अगर आप वेल्डिंग करने जा रहे हो तो पहले उसके पहले हमें सरफेस प्रिपरेशन करनी होती है क्लीनिंग करनी होती है फिर दोनों वर्क पीस को हमें एजेस को वी शेप देना पड़ता है क्यों देना पड़ता है भाई वी शेप दे देंगे तो एक आप देखोगे कि ग्रुप से बन जाएगा ठीक है थोड़ा एक गैप हो जाएगा तो उस गैप में फिलर मटेरियल जितना ज़्यादा जाएगा रूट तक उसी रूट से पास करेगा जस्ट लाइक उसे ऊपर टाइप का बन जाता है कौन टाइप का तो वो जो बनेगा कौन टाइप का तो वो उसमें इंसर्ट करेगा तो वो रूट तक वर्क पीस के रूट तक जैसे ये हमारा है वर्क पीस के यहाँ से यहाँ तक रूट तक पहुँच सकता है तो ये तो बहुत ज़्यादा इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ से हम समझ सकते हैं ये हमने वेज प्रिपरेशन की है ये वेज प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ तक हमें फिलर मटेरियल जाना पड़ेगा अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो फिलर मटेरियल मेल्ट भी यहाँ तक रुक जाए और नीचे की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी तो एज प्रिपरेशन करनी पड़ती है तो उसके बाद हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी वेल्डिंग करनी है फिर सिलेक्शन करते हैं फिलर मटेरियल यूज़ कर रहे तो कौन सा फिलर मटेरियल इसके साथ वेल्ड होगा कि नहीं होगा मेल्ट होगा कि नहीं होगा ये भी देखना पड़ता है हमको तो ये सारे प्रोसीजर हैं बेसिक्स स्टेप्स हैं जब हम वेल्डिंग भी स्टार्ट करते हैं और इसको और भी डीपली डिप, डिप, डिस्कस करेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब इस वेल्डिंग पे जब हम टॉपिक पे आएंगे तब ठीक है ये हमारा रेफरेंसेज है और ये आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है और थैंक्स फिर मिलते हैं आपसे थैंक यू